है, और आज हमारी बॉलिंग का डिफरेंस और न्यूजीलैंड की मस्ट विन गेम के अंदर बॉलिंग का डिफरेंस आप देख लीजिए, ओके फाइन, रस्टी है टिम साउदी, वो एक वीकलिंग साबित हो सकता था, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने स्टेप अप किया एज अ लीडर ऑफ द पैक, ही स्टूड अप। ये भी सारी साल T20 लीग्स खेलता है, ये भी T20 के अंदर फोकस करता है, लेकिन पीछे से प्रोडक्ट तैयार है, पीसीज का इंतजार कर रहे हैं कि मिरेकल उसको टर्न अराउंड हो जाए, श्रीलंका हरा दे। ये वही श्रीलंका है जिसने 344 रन मारे थे, बाय द वे ये वही श्रीलंका है जो वानखेड़े में जो बैटिंग पैराडाइज अभी तक का वर्ल्ड कप का, उसके अंदर ये टीम पाकिस्तान मतलब टीम पाकिस्तान के स्कोर के मुताबिक इंडिया तो कितने पे ऑल आउट कर गया था इनको, इंडिया तो अगर मैं गलत ना हूं तो शायद इंडिया 55 पे ऑल आउट कर गया था, श्रीलंका जो बैटिंग पैराडाइज पे इनको 171 पे आउट कर गया। सो यार मुझे एक बात बताइए कि हम क्यों 344 करवा के बैठ गए थे इनसे, हमको तो फिर हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी, हमें तो इनको देखना ही नहीं चाहिए था। अब भारत कब होगी, भारत कब नहीं होगी, उसका इंतजार करते रहे। वो मैंने कहा था ना कि हम बचपन में नाकाम आशिकों की कहानी सुनी होगी कि वो गुलाब का फूल लेके पत्तियां करते थे, बारिश होगी बारिश नहीं होगी, शी लव्स मी नॉट, सो वो वाली कहानी हमारे साथ है आज। देखिए भाई सबसे पहले तो भाई पाकिस्तानियों का क्या चलेंगे भाई, काफिरों की साजिश थी, काफिरों ने नहीं हो रहा था, 3 साल कैप्टनसी की थी लेकिन बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वो जो होप्स थी जो उम्मीदें अलाइव थी उसको काफी हद तक जो वो नुकसान पहुंचे, और आज श्रीलंका बिल्कुल पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका, पूरे तरीके से बुरे तरीके से श्रीलंका जो है पिटा है, बहुत बहुत पुअर क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, इंतहाई बुरी क्रिकेट जो है श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिली। कंडीशन जो थी, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की श्रीलंका को और बेस्ट उस कंडीशन को यूटिलाइज किया और श्रीलंका की पूरी टीम को 171 पर उठाकर बाहर कर दिया। हाँ जी दाऊद साहब, अगर मगर शिखर सब खत्म हो गया, अब लाहौर एयरपोर्ट देखो पाकिस्तान के लिए बहुत ही हार्ट ब्रोकन है, टोटली हार्ट ब्रोकन है, पाकिस्तानी फैंस के लिए दिल टूटने वाली मोमेंट्स है, क्योंकि श्रीलंका से हमने उम्मीदें लगाई थी कि श्रीलंका हमको रेस्क्यू करेगा, लेकिन इस टाइम हालात बिल्कुल बदलते जा रहे हैं, हाफ बैटिंग हो चुकी है लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की उम्मीदें जो एक धागे से लटकी हुई थी, ऐसा लग रहा है कि वो धागा बिल्कुल टूटने के करीब है। इस टाइम न्यूजीलैंड ना सिर्फ ये मैच बल्कि न्यूजीलैंड श्रीलंका को बंबूजर करने वाला है, और पाकिस्तान और पाकिस्तान के फैंस के लिए इस टाइम टोटली हार्ट ब्रोकन मोमेंट्स है, सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि अली साहब अब तो पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो जाएगा, और शायद से पाकिस्तान इंग्लैंड से पहले ही पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कैंपेन लग ऐसा रहा है कि आज ना सिर्फ खत्म हो जाएगी बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं एग्जैक्ट टेबल बता दूं, एग्जैक्ट टेबल भी बता दे, और वर्ल्ड कप शायद से पाकिस्तान के लिए आज फुल स्टॉप लगने जा रहा है। भैया हम उम्मीदें जगा के रखें, बारिश हो जाए, न्यूजीलैंड अब ऑल आउट हो जाए, वो 160 पे हो जाए, हम अभी भी चले जाएं, ये सारी उम्मीदें मजाक के तौर पे, एक मीम के तौर पे तो बड़ी अच्छी लगती हैं, बट दिस इज द क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट काइंड ऑफ ब्रिलियंट क्रिकेट आज न्यूजीलैंड ने खेली, न्यूजीलैंड के लिए भी मस्ट विन मैच था। अब चले जाइए हमारी बॉडी लैंग्वेज पे कि जब हम साउथ अफ्रीका को फेस कर रहे थे मस्ट विन मैच के अंदर हमारी क्या कंडीशंस थी, हमने भी इस मैदान में बॉलिंग की है, इस मैदान में इस पिच के ऊपर फर्स्ट बॉलिंग की, मैच में हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मजीद हम लोग वर्ल्ड कप का पार्ट रहेंगे या नहीं, अगर हमें इतनी हमारे अंदर गैरत थी तो हम पहले खेल के दिखाते, 26 करोड़ अवाम के जज्बात के साथ ये लोग खेले हैं, ठीक है, और अब क्या कह सकते हैं, लाइक नो वर्ड्स यार, शेम ऑन तो कनेक्शन कट गया जिस तरह हमारी किस्मत ने काट दिया हमें, मे बी वी वर नॉट गुड इनफ इन दी एंड, और पाकिस्तान का डी एंड हुआ, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप ड्रीम शैटर्ड हुआ, पाकिस्तान का पेन थी वो खत्म हुई, क्योंकि इस हार के साथ पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप 2023 का सफर है वो अख्ताम पजीर हुआ। हार नहीं था तो पहले ही हार जाते, इतनी उम्मीद जगा के क्यों हारी यार। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच है ना, तो मैच खुद एक पाकिस्तानी होने के बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि वो न्यूजीलैंड जाए और जीत जाए, क्योंकि हर बार जो है ना पाकिस्तानी हमें इस बात पर मजबूर करते हैं कि ये टीम जीत जाए, ये टीम इसका फायदा, इसको पाकिस्तान वाले खुद परफॉर्मेंस नहीं दे रहे लेकिन फिर भी हमें आवाम इस बात पर मजबूर कर रहे कि हम खुद कभी बोलेंगे कि इसका जो है ना रन रेट हाई है, और ये इन बातों से अच्छा है कि न्यूजीलैंड जीत जाए क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भी हार लिया, तो ये कैसा टीम है। जय दोस्तों, जय श्री राम भाई, आज कुदरत का निजाम नहीं काम आया, नहीं आई दुआए काम, जैसे लगान फिल्म में आमिर खान का जो कचरा था ना जिसके ऊपर पूरी भाई टीम टिकी हुई थी, आज जो पाकिस्तान का जो कचरा था वो था श्रीलंका, और वो कचरा आज काम नहीं आया, उस कचरे ने भाई पाकिस्तान को लपेट कर भी ले गया बाहर। अब इंग्लैंड से पाकिस्तान को 250 से लेकर भाई 300 रन से जीतना होगा, तब जाके रन रेट आ सकती है न्यूजीलैंड के बराबर। पाकिस्तानियों की राय देखिए, उसके बाद कंप्लीट डिटेल में बात करें, वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शुरू करते हैं। और भाई और पाकिस्तान वालों कुछ बोलोगे नहीं, वैसे बोलना भी मत तुम लोग, क्योंकि हमें तुम्हारे बताए बिना भी पता है कि तुम्हारी सूजी है। आज के मैच में ग्राउंड पानी से भर जाएगा, अल्लाह हमारी दुआएं सुन लेगा, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, ऐसा कहना है पाकिस्तानी शायकीन का, जो आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका के माबैन खेले जाने वाले मैच में श्रीलंका की जीत और बारिश के लिए दुआएं कर रहे हैं। शायकीन का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। श्रीलंका और जो न्यूजीलैंड का मैच है वो भी
या तो रेन की मानी हो जाए या श्रीलंका मैच जीत जाए। इंशाल्लाह श्रीलंका जीतेगा मैच और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में वापसी आएगी। आज जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है उसमें श्रीलंका को अल्लाह ताला फतह दे। बारिश के इम्कान है, अगर फिर भी दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाता है तो फिर भी चांस है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, बहुत दुख हो रहा है, इन्होंने बहुत ज्यादा विकेट जो जाया कि बहुत दुख हो रहा है सारा। इतना वेट कर रहे थे आप, इंतजार कर रहे हैं, मैच तो बढ़ गया, स्पिनर जोन सा लगाया, मजे का नहीं आया बंदा। बड़ा इंतजार कर रहे थे हम जश्न मनाएंगे, हां बिल्कुल, हम तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। बाहर हो गए यार, बहुत अच्छा किया ये जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। मैच तो जश्न में पेट्रोल डाल दिया इसने, मेरा दिल कर रहा है मैं लेटर लगा दूं जश्न में। पाकिस्तान टीम को वापस आना ही नहीं चाहिए, आप फलस्तीन चले जाएं, वहां पर जाकर आप शहीद हो जाएं। आपके लिए यही बनता है, जिस तरह से आपने हमें वहां पर जलील किया है तो यहां पर आपके लिए अंडे टमाटर और जूते तैयार हैं। अगर आप में थोड़ी सी गैरत है तो आप फलस्तीन जाएं, वहां पर शहीद हों उनके साथ, आपका पाकिस्तान आना बनता ही। इंडियन अवाम जो है ना अपने टीम्स को बैकअप देती है, हम अपनी टीम को बैकअप नहीं देते, और अगर वो हमारे खिलाफ कोई बात करते भी है ना तो हम उसको उनको सपोर्ट करते हैं उनके रिप्लाई में, अगर हम उनके खिलाफ कोई बात करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर पाकिस्तान टीम बाहर चली जाएगी? नहीं, बाहर चली गई है इस वक्त, अफगानिस्तान के हारने के बाद कौन सी टीम रह गई? आप देखें आगे इतने बड़े बड़े मैच हैं तो हमारी शक्ल है इतने बड़े मैच जीतने वाली। अफगानिस्तान जैसे बच्चों जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में खेल के गए उनसे हार गए हैं, तो बाकी टीमों से तो आप भूल जाएं कि हम जीतेंगे। दिल्ली भी उठाकर वापस आ जाए, वर्ल्ड कप उनके बस की बात नहीं है, जो उन्होंने इंडिया वाले कप में चाय पी लिया वही वापस ले आए, कम से कम कुछ तो लेकर आए ना, वर्ल्ड कप तो उनके बस में नहीं है। वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड और इंडिया के अलावा मैं किसी को नहीं मानता कोई बंदा वर्ल्ड कप लेगा पाकिस्तान में, किसी पर भी मुझे उम्मीद नहीं। हर बांग्लादेश भी अफगानिस्तान की तरह हमें शिकस्त दे सकता है, हमें पाकिस्तान टीम से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जिस तरह से अफगानिस्तान से हार सकते हैं तो बांग्लादेश ने तो अफगानिस्तान को हराया हुआ है। अब आज उनको मेरे हिसाब से कैप्टनसी से पीछे आगे अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए, विराट कोहली पे भी ये टीम। हम अपने न्यूबॉर्न बेबी से हारे हैं, जिसको हम अपना न्यूबॉर्न बेबी कहते थे, बाप ने उससे ऐसी मुंकी खाई है कि उसको पता चला है कि हाँ हारना इसको कहते हैं, शिकस्त इसको कहते हैं। भाई ईद मुबारक, ईद मुबारक, बहुत सारी शुभकामनाएं, दिवाली मुबारक, होली मुबारक। भिखारी गया भाई, आउट हो गया वर्ल्ड कप से, मैदान खाली हो गया, मजा आ गया भाई, गंदगी उठ गई। सबको मुबारक हो, डेढ़ डेढ़ मुबारक भी टोल अफगानिस्तान था, अख्तर मुबारक सा।